हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दी पोकेमॉन फायर रेड बेंटेन। यहाँ पर गाइस पिछली बार हम लोगों ने चैलेंज किया था सेलोन सिटी जिम लीडर मालवेयर को एंड गाइस हम हासिल कर चुके थे अपना फोर्थ जिम बैच। एंड देन गाइस यार हम थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन की, हमें ऑप्टेन की टी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दी अपग्रेड। यस, मैंने कहा था आपसे कि अब बस शॉप पर जाने का वक्त जरूर आने वाला है क्योंकि गाइस यहाँ पर अपग्रेड जो है वो स्टील एंड इलेक्ट्रिक टाइप एलियन है। सो गाइजर काफी ज्यादा मदद करने वाला है हमारे आगे के एडवेंचर के लिए। देखते हैं गाइजर, मैं जरूर ट्राई करूंगा कि अपग्रेड को एंड तक रखूं। अगर आप मुझे कोई और अच्छा एलियन मिल जाए तो मैं उसे भी रख लूंगा। सो गाइजर आज मैं जाने वाला हूं दोस्तों इस टीम रॉकेट के बेस में। ओके सो यार लेट्स गो, यहां पर मुझे इसके साथ बात करनी होगी। एंड ओके तो टीम रॉकेट नहीं है, टीम विलगेट्स मैं इसे नाम दे देता हूं क्योंकि गाइजर टीम विलगेट्स का कोई टीम का नाम था नहीं। हाँ यार ये तो एक मतलब कि हाँ ये जस्ट रिसेंटली मैंने देखा था ना तो सीजन 3 का लास्ट वाला है सेकंड लास्ट एपिसोड, तभी दोस्तों ये बैन के दोस्तों ट्रांसफॉर्म हुआ था इसलिए। बट यार मुझे इसका अब तक नाम याद नहीं है क्योंकि मैंने इसके बाद के एपिसोड मतलब कि सीजन 3 के 12 के एपिसोड के बाद अब तक मैंने देखा नहीं है इसलिए मुझे इसका नाम याद नहीं है। सो गाइस यार यहाँ पर थंडर शॉक दे देता हूँ एक। ओके सो हाँ यार अपग्रेड तो यहाँ पर एक स्टील टाइप एलियन है ना तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे इसे डाउन कर पाएगा। सो आ जा यार वाइल्ड मट, तू ही क्रश क्लॉ दे दे। एंड हाँ वाइल्ड मट का भी दोस्तों जाने का वक्त पास ही में है बट यार मैं थोड़ा सा ऐसे लंबा खींच रहा हूँ क्योंकि यार मुझे अब तक थोड़ा सा काम है। सो यहाँ पर मैं हीलिंग करके करने के लिए चले जाता हूँ गाइस यार ताकि हम अपनी आगे की एक्सप्लोरेशन कर पाए। तो गाइस यार यहाँ पर हीलिंग करके भी आ चुका हूँ मैं। सो लेट्स गो गाइस यार यहाँ पर ना मैं अपनी हीट ब्लास्ट को फर्स्ट पे रख देता हूँ। एंड ओके तो यहाँ पर हम स्विच है एंड यस यहाँ पर हम आ चुके हैं दोस्तों अंडरग्राउंड एरिया में, पता नहीं यार। ओके सो यार यहाँ पर देख ही सकते हो रॉकेट भी बना हुआ है दोस्तों वो लोगों पे। बट ओके सो वी आर इन द रॉकेट हाइड आउट। पता नहीं यार ये लोगों ने परमिशन कैसे दे दी एक दोस्तों गेम कॉर्नर के ऊपर नीचे दोस्तों यहाँ पर अंडरग्राउंड बेस। सो लेट्स गो गाइस यहाँ पर बैटल खत्म कर मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। तो ओके गाइस यहाँ पर हमारा बैटल भी कंप्लीट हो चुका है एंड गाइस यहाँ पर हमें मिल चुकी है एक एस्केप रोप। सो दैट्स नाइस, तो रख लेते हैं इसे, कभी काम आ जाएगी, पता नहीं चलेगा कभी भी काम आ सकती है। सो यहाँ पर ओके सो बैटल खत्म करके मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। तो चलो दोस्तों यहाँ पर हमें अभी आगे की तरफ चले जाते हैं। पता नहीं यार यहाँ पर कितने सारे बैटल्स होंगे हमारे। हाँ इतना बड़ा भी नहीं है ये हाइड आउट, मेन हाइड आउट है उनका, मतलब कि मेन हाइड आउट नहीं मेन बेस यानी कि उनकी मेन बिल्डिंग ना दोस्तों सिल्फ स्कोप है। बट यार वहाँ पर जाने से पहले मुझे यहाँ से दोस्तों जाना होगा ताकि मैं आगे चलकर पहुँच पाऊँ। पता नहीं यार आज हमें विलगेक्स मिलेगा कि नहीं, देखते गाइस यार मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों विलगेक्स के साथ बैटल करने के लिए क्योंकि मैंने अब तक यहाँ पर विलगेक्स के साथ बैटल किया नहीं क्योंकि पोकेमॉन फायर रेड में मतलब कि बॉस है टीम रॉकेट का जियोवानी। बट यार ये तो बेंटेन है ना तो यहाँ का बॉस तो मतलब कि बेन का सबसे पुराना दुश्मन एंड सबसे पहला दुश्मन होगा विलगेक्स। यस विलगेक्स ही रहने वाला है गाइस यार, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं दोस्तों। अगर आज हमारे साथ बैटल कर पाए ना वो तो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है दोस्तों हमारा एपिसोड बन जाएगा। देखते हैं गाइस यार यहाँ पर हम बैटल कर पाएंगे या नहीं। सो ओके सो हमें मिल चुका है एक मून स्टोन। सो लेट्स गो गाइस यार यहाँ पर ओके वी ऑब्टेन द TM12 टॉन्ट। सो ओके यहाँ से अभी थोड़ा सा ट्रिकी है बट यार मैंने पहले भी दोस्तों काफ़ी बार दोस्तों यहाँ पे कर लिया है यहाँ पे एक्सप्लोरेशन। हाँ थोड़ा सा मुझे यहाँ पर देख के चलना चाहिए यहाँ से ना। ओके सो यहाँ पर तक आ गया। इतना जहाँ मुझे ये यहाँ पर ट्रिकी नहीं लग रहा है क्योंकि यार और भी कई सारे मैंने ट्रिकी यहाँ पर पजल सॉल्व की है पोकेमॉन अनबाउंड में। तो यार ट्रिकी गेम ही था वो पोकेमॉन अनबाउंड, उसका पजल तो मैं फिर से बोला याद नहीं करना चाहता इतना ट्रिकी था वो, क्योंकि यार उससे पजल से तो बेहतर मुझे ये पजल्स लगते हैं। क्योंकि ये निंटेंडो का सबसे पहला यहाँ पर एक यहाँ पर गेम निकला था कैंटो रीजन में। हाँ इससे पहले भी निकले थे या नहीं मुझे पता नहीं, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, आप करेक्ट कर सकते हो मुझे कमेंट में। इसलिए दोस्तों इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर कह दो तो यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर ट्रिकी पजल्स बनाए नहीं। सो ओके गाइस यार यहाँ पर हम आ चुके हैं इस पजल के एंड तक। सो या यस हियर वी आर। सो लेट्स गो गाइस यार यहाँ पर अभी हम चले जाते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। मुझे एक कार्ड की ऑप्टेन करनी है ताकि मैं यहाँ से दोस्तों एलिवेटर दोस्तों एक्सेस कर पाऊँ। सो ओके गाइस यार यहाँ पर बैटल खत्म कर मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।
तो चलो जो गाइस सर, यहाँ पर हमारा बैटल भी कंप्लीट हो चुका है, बट यार मेरे पास एक एंटीडोट तो होगा ना। नहीं है शायद, शायद नहीं है, जो चाहिए वही नहीं रहते मेरे पास हर वक्त। शेट, तो चलो यार शायद मुझे अभी फिर से ऊपर की तरफ ही चले जाना चाहिए। हीट ब्लास्ट तो जब तक जा पाएगा तब तक जा चला जा, यहाँ पर बैटल कर ले, बट यार तुझे कभी ना कभी तो यहाँ पर फेंट होना ही है। ओके गाइस सर, यहाँ पर देखते हैं कौन सा एलियन आता है। ओके रैट, यार 21 HP ही बची है यहाँ पे, तो चलो इसे हरा देते हैं। यहाँ पर हमारा बैटल भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी हीलिंग करके आनी चाहिए सबसे पहले तो, ताकि मैं हमारे हिट ब्लास्ट को दोस्तों अर्निंग दे सकूँ। ओके सो यार मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर मैं एक्सेस कर पाऊंगा। ओके यस, की चाहिए हमें, कार्ड की नहीं तो कौन कौन सी तो की होती है वो एलिवेटर की, तो इससे ही हम जा पाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे फिर से नीचे तरफ जाना चाहिए। यार यहाँ पर मैं हीलिंग करके जो है आ चुका हूँ गाइस यार। लेट्स गो, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ दोस्तों अपने बी बेसमेंट के 3rd फ्लोर पर आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर एक काफी सारे बैटल्स होंगे हमारे, तो इन्हें डन कर मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। लेट्स गो गाइजर, यहाँ पर हमारे एक और बैटल कंप्लीट हो चुका है। गाइजर यहाँ से अभी मुझे मिल चुका है एक TM21 फ्रस्ट्रेशन। लेट्स गो, यहाँ पर अभी हम चलते हैं। यहाँ से मुझे ये एक और पजल सॉल्व करना होगा ताकि मैं आगे की तरफ चले जा पाऊँ। यहाँ पर सबसे पहले तो नीचे की तरफ, यहाँ से तो मैं नहीं आ सकता। हाँ चलो मिल गया एक हमें एक रेयर कैंडी। ओके दैट्स नाइस, मुझे रेयर कैंडी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस गेम में। चलो यहाँ से अभी ऊपर की तरफ चले जाता हूँ मैं। हाँ यहाँ से जाना है, एंड देन अगेन फिर से मुझे जाना होगा राइट साइड में ताकि मैं नेक्स्ट एरिया एक्सप्लोर कर पाऊँ। यहाँ से अभी नीचे की तरफ। ओके यहाँ से अभी लेफ्ट साइड में नीचे। कौन सा पकड़ूँ, कौन सा रास्ता लूँ। ओके नीचे की तरफ ले लेता हूँ। ओके नीचे एक और बैटल है, तो यहाँ पर मैंने पकड़ लिया है। एंड गाइस यहाँ पर बैटल खत्म कर मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर हमारे एक और बैटल भी कंप्लीट हो चुका है। टीम विल गाइस के बंदों के साथ यहाँ पर हमें मिल चुका है एक ब्लैक ग्लास। लेट्स गो, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इसके पास ना दोस्तों ये लास्ट अगर जो बंदा बचेगा ना उसके पास दोस्तों हमें कार्ड की मिलने वाली है, तो शायद यही लास्ट बंदा है। मुझे यहाँ पर मिल चुका है एक TM49 स्नैच। गाइस यार यहाँ पर एक अब बैटल है हमारा। ओके यही एक लिफ्ट की का बंदा है, एंड मुझे लगता है कि इसके पास लिफ्ट की है। के एनर्जी, हाँ यार अब तक मेरे पास एक भी दोस्तों एक भी ए वाटर टाइप एलियन आया नहीं है। हाँ दोस्तों जब तक मैं आगे आगे जाऊंगा ना तब तक मेरे पास शायद एक वाटर टाइप एलियन आ जाए। देखते गाइस यार, वो वाटर टाइप एलियन अच्छा हो तो मैं उसे रख लूंगा, नहीं तो यार अब तक मुझे एक भी वाटर टाइप एलियन नजर आया नहीं है। हाँ यार वैसे भी बेन के पास दोस्तों ज्यादा वाटर टाइप एलियंस थे नहीं, स्वैम्पायर था, बट यार वो तो जब अल्टीमेट एलियन बन जाता है तभी उसके पास था ना। देखता हूँ, देखना पड़ेगा गाइस यार वाटर टाइप एलियन कौन सा है, मुझे रिसर्च करनी होगी। एंड देन गाइस यार यहाँ पर मुझे देखना होगा कि मैं उसे पकड़ पाऊंगा या नहीं। ओके वी ऑब्टेन द लिफ्ट की। लेट्स गो गाइस यार, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ अपने आगे के ऊपर की तरफ। गाइस यार यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो हीलिंग भी करके आनी चाहिए ताकि मैं यहाँ से दोस्तों आगे की तरफ चले जाऊँ। लेट्स गो, यहाँ पर मुझे ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए। एंड गाइस यार यहाँ पर अभी नीचे की तरफ चले जाता हूँ। ओके सबसे पहले तो मैं हीलिंग करके आता हूँ। यस गाइस यार, यहाँ पर मैं हीलिंग भी करके आ गया ताकि मैं लिफ्ट के दोस्तों आगे के बैटल्स भी कंटिन्यू कर पाऊँ बिना किसी टेंशन के। गाइस यार यहाँ से अभी ये जो पजल मैंने पहले भी सॉल्व किया था, तीसरी या चौथी बार यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इजी हो चुका है। सबसे ट्रिकी बोल दूँ ना दोस्तों, पजल कौन सा था, मतलब कि जो पोकेमोन अनबाउंड के दोस्तों पजल्स थे ना वो सबसे डिफिकल्ट मुझे रोम हैक लगा यार। वो कैसे तो कैसे मैंने कंप्लीट किया मुझे खुद नहीं पता। एक और दोस्तों रोम एक्स है दोस्तों, 3 पार्ट है उसे रोम एक्स के, बट यार वो हम जरूर खेलेंगे बट अभी नहीं। यस इस गेम के बाद दोस्तों हम जरूर खेलना पसंद करूंगा मैं एक RPG गेम। अगर आपको कोई भी दोस्तों RPG गेम नजर आ रहा हो, मैंने तो एक स्पाइंड करके रखा हुआ हूँ, अभी तो मैंने उसकी काम भी शुरू नहीं किया क्योंकि मेरा इसका ही काम खत्म नहीं हुआ है। उसका क्या काम खत्म करूँ ना। जब तक यहाँ पर ये गेम खत्म नहीं होता ना दोस्तों तब तक हम यहाँ पर कोई भी एक न्यू सीरीज का मैं आप कमेंट में जाकर जरूर बता दीजिएगा कि मैं कौन से इस गेम के बाद नेक्स्ट सीरीज खेलूँ। अभी भी टाइम है दोस्तों यहाँ पे, अगर आप जल्दी बता दोगे ना मैं इस गेम के बाद तुरंत दोस्तों लेके आ पाऊँ। क्योंकि गाइस पोकेमोन एरो के बाद मैंने मतलब कि पहले ही जब मैं आप एंड करने वाला था ना बोल दूँ, जब हम चैलेंज चैंपियन को जब चैलेंज करने के लिए तैयार होने वाले थे ना तभी मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट गेम फाइंड करके रखा हुआ था। लेआउट भी बना के रखी थी, थंबनेल का भी दोस्तों टेक्सचर बना के रखा था।
इसलिए मैंने मुझे कोई ज्यादा टेंशन हुई नहीं मतलब कि जैसे हमारा मंडे को खत्म हुआ ना पोकेमोन एरो, वैसे मैंने ट्यूजडे को दोस्तों पोकेमोन इज अ फायर एंड मेंटेन की दोस्तों सीरीज स्टार्ट की। वरना तो यार थोड़ा सा टाइम लगता था मुझे यहाँ पे क्योंकि आपको पता ही है इन सब चीज़ों में दोस्तों टाइम लग जाता है। पोकेमोन एरो का भी दोस्तों यहाँ पर 6 बजे में अपलोड कर पाया था, 7 बजे शायद वो प्रीमियर हुई थी वीडियो, इसलिए दोस्तों लेट आई थी क्योंकि मुझे टाइम मिला ही नहीं था उस वीडियो को शूट करने के लिए। बट पोकेमोन फायर एंड मेंटेन में ऐसा हुआ नहीं, मैं टाइम पे दोस्तों इस गेम को शूट कर पाया। सो यार मैं यही चाहता हूँ दोस्तों अगर आपको पता हो तो कौन सा तो अच्छा गेम, सो वो मुझे तो याद है दोस्तों मैंने एक गेम निकाल के रखा हुआ हूँ, अच्छा गेम है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उसकी बातें हुई है, हमारे जाने माने दोस्त ने भी उस गेम को खेला हुआ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने हमारे चैनल के ऊपर कॉपीराइट मारा था, कॉपीराइट मारने की धमकी दी थी, उन्होंने दोस्तों ये गेम खेला हुआ है, उनके ही चैनल से मैंने चेकआउट किया क्योंकि उन्होंने ज़्यादा करके वो गेम्स खेलते हैं वो यहाँ पर फैन मेड गेम्स। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर हमारा बैटल भी कम्प्लीट हो चुका है एंड द वेट इज फाइनली ओवर गाइस। यार दोस्तों विलगैक्स हमारे सामने ही खड़ा है, लेट्स गो, यहाँ पर मैं हीलिंग भी करके आ चुका हूँ। ओके हाय विलगैक्स, ऑटोग्राफ मिलेगा? सो आई एम मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड यू टू टीम रॉकेट कैप्चर द पोकेमोन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दे आर इम्पोर्टेंट टू अस फॉर कीपिंग आवर क्रिमिनल एंटरप्राइज गोइंग, आई एम द लीडर विलगैक्स, फॉर योर इंसोलेंस यू विल फील अ वर्ल्ड ऑफ पेन। हियर वी गो गाइस, यार थ्रू द गेम वर्सेस द बॉस विलगैक्स। सो गाइज यहाँ पर विलगैक्स आ चुका है, विलगैक्स ने विलगैक्स को भेजा है, लेवल 30 का विलगैक्स है। सो शुरू करते हैं यहाँ पर फ्लेम विल के साथ, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि इसकी वीकनेस क्या है विलगैक्स की, तो फ्लेम विल तो कुछ भी वीकनेस नहीं है, ड्रैगन टाइप एलियन मुझे लग रहा है। बट यार मेरे पास आइस बीम तो अरोरा बीम तो है, बट मैं सबसे पहले तो रॉक स्लाइड का इस्तेमाल करना पसंद करूँगा, देखते हैं यार रॉक स्लाइड से कैसे दोस्तों यहाँ पर ये डाउन हो पाता है या नहीं। नहीं, मेरा दुक्का गलत गया और फ्लिंच हो चुका है, बट ओके बर्न से तो हर्ट हो रहा है, अच्छा हुआ मैंने बर्न तो कर दिया। ऐसे फ्लेम विल से ही चले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि विलगैक्स इतने जल्दी हार जाएगा, क्या पता यार नेक्स्ट टाइम दोस्तों हमें ये सच्ची में मात दे दे। सो गाइस यार यहाँ पर हमने सक्सेसफुली जो है वो विलगैक्स को यहाँ पे इजीली यहाँ पे डाउन कर दिया है, एंड दैट्स इट गाइस यार यहाँ पर विलगैक्स जो बर्न से यहाँ पर डाउन हो चुका है। सो गाइस यार देखते हैं अभी हमें 14-13 यहाँ पर एचपी मिले, हमें एक्सपीरियंस मिला, व्हाट दिस कांट बी, 3000 हमारी अर्निंग हुई यहाँ पे। आई सी दैट यू रेज योर एलियन विद अटमोस्ट केयर, अ चाइल्ड लाइक यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट आई होप टू अचीव, आई शैल स्टे बिसाइड दिस टाइम बट आई होप वी मीट अगेन। सो गाइस इसने मुझे दे दिया है एक स्टील स्कोप। सो लेट्स गो गाइस, आज की वाली वीडियो में भी इतना ही, मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया हो, आई होप अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए यार, आप देख के चले जाते हो मजा नहीं आता, लाइक करा दिया करो यार। सो गाइस आज मैं आपसे मिलता हूँ पोकेमोन फायर एंड बेंटेन के एक और नए एपिसोड में कल, यस कल जरूर आना यार, हर दिन हम पोकेमोन फायर एंड बेंटेन खेलते हैं। सो यार मैं आपसे